अबान अबान हेलो कर दो। अबान फेस दिखाए। नीचे नीचे उधर नीचे उधर। विशाल इसको बहुत एंजॉय कर रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें बात रहें। आज वीकेंड का दिन है, संडे का दिन है और बच्चों से बहुत ज़्यादा वादे किए होते हैं कि भाई आपको लेके जाएंगे वीकेंड पे बाहर, क्योंकि लॉकडाउन है। जैसे कि आप जानते हैं ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे और छोटे बच्चों के साथ निकलना वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो यहाँ पर लॉकडाउन तो खुल गया है लंदन में, पर यह है कि आप बच्चों को हमने वीकेंड्स का वादा किया हुआ था, तो हमको सुबह से ये बच्चे पीछे थे कि आप हमें पार्क लेके जाएं, पार्क लेके जाएं। बादल तो सुबह से बने हुए थे, लेकिन बस सोचा कि चलें थोड़ी देर के लिए चक्कर लगा लेते हैं। हम लोग जैसे ही पहुँचे वहाँ पे ऐसी तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई कि बस बच्चों ने तो फर्स्ट टाइम देखी, पाकिस्तान में या ऐसी कंट्रीज़ में तो होती रहती है, पर लंदन में हमेशा जो है बादल बरसते हैं, गरजते नहीं हैं। पर इस दफ़ा जो गरजे तो बस बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डर गए। बेटी ने वैसे काफ़ी इन्जॉय किया बारिश में, लेकिन बेटा जो था वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और ऐसा रोने लगा कि बस चुप करवाना मुश्किल था, लेकिन छोटा बहुत सब्र से जो था वो बैठा रहा ना। फिर काफ़ी देर के लिए हम लोग खड़े रहे दरख्त के नीचे, तकरीबन कोई आधा घंटा हो गया। कभी एक दरख्त के नीचे जाए लगे यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे नहीं मतलब कि बारिश पड़ेगी ना, वो वाला घना दरख्त है उसके नीचे जाए तो वहाँ पे भी सेम। तो बस इतनी तेज़ थी कि कोई भी जो है ना सेफ्टी नहीं थी। तकरीबन आधे घंटे के लिए जो थी वहाँ पे फिर हम लोग स्टक रहे। उसके बाद थोड़ी सी बारिश थमी तो हम लोगों ने बस घर निकलने की, लेकिन भीगते भीगते घर पहुँचे। आते ही फिर सब बच्चों ने चेंज किया, हीटिंग चलाई, गर्म हुए। अभी दो दिन पहले तो गर्मी से बुरा हाल था, लेकिन ऐसी ठंड चढ़ी सब बच्चे नीले हुए पड़े थे। तो बस फिर गर्म गर्म चाय बनाई, गर्म समोसे बनाए, और ये रमज़ान के बाद पहली दफ़ा दोबारा से चीज़ें तली हैं, तो मज़ा आया। इस मौसम का भी थोड़ा एंजॉय भी हो गया, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो गया अंदर। चिप्स की पहली प्लेट तो हाथों हाथ ही ख़त्म हो गई, निकालते ही बच्चों ने एक एक दो दो चार चार लेके बस ख़त्म कर दी। फिर दोबारा से चिप्स बनाए, उसके अंदर फिर मैंने जो है वो थोड़े से क्रिस्पी करके बनाए। पहले बेसन नहीं मिल रहा था तो उसके अंदर दो चम्मच तीन चम्मच बेसन के डाल दिए, थोड़ा सा नमक और उसमें थोड़ी सी मिर्च डाल दी, उससे काफ़ी जो है ये क्रिस्पी और काफ़ी खड़े खड़े और ऐसे बनते हैं तो अच्छे बने। इनके अंदर थोड़ा सा फिर मैंने पानी का छट्टा लगा के इसको बस ऐसे घुमा लिया और ये रेडी हो गए। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत क्रिस्पी और बड़े चटपटे से बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी तो ज़ोर की एक थप्पड़ लगा के लाइक को नीला कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़। अम्मा।
गोदी जी, क्लाउड रन कर रहे हैं।